चलें जी, बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, मैं आपको एक गुड न्यूज़ दे दूं। आज रात, संडे की रात 12 बजे ब्लिसफुल पे सेल लग रही है 15%। आपने यूज़ करना है कोड शगुफ्ता 10, आपको मिलेगा 25% ऑफ। ताकि आप लोग अपनी कार्ड सेट करें, ऑर्डर करें, इन्जॉय करें एट अ वेरी ब्यूटिफुल प्राइस, अचीव अ ब्यूटिफुल स्किन। हमारी ब्लिसफुल की फैमिली में एक और नया एडिशन हुआ है, वेरी ब्यूटिफुल एडिशन। सो वन स्टेप अहेड टू अचीविंग मोर ब्यूटिफुल स्किन। ये है बैरियर रिपेयर क्लेंजर फॉर ड्राई, सेंसिटिव एंड एक्नी प्रोन स्किन। तो ये भी सेल में शामिल है। सो आप जब अपनी कार्ड सेट करें तो इस प्रोडक्ट को भी ज़रूर चेकआउट करें। एंड आप ही की फरमाइश पे ये बना है, आप लोगों को चाहिए था एक ऐसा क्लेंजर जो एड्रेस करे आपके सेंसिटिव, एक्नी प्रोन और ड्राई स्किन के इश्यूज। सो यू गॉट इट, सो गो ऑन वॉच द वीडियो। कल रात को इतनी बारिश हुई है कि मतलब थंडरिंग जो हुई है, इट वाज सो स्कैरी। कि हमने रिशा की कवाली पे जाना था कल, उसका इवेंट था, वो भी नहीं जा सके बिकॉज बारिश बहुत से ज़्यादा थी। और फिर ईमान रेडी हुई, मैं, ज़िया भाई, निगत और नदीम, इनको गोल्फ क्लब लेके गए मैं और या, तो वहाँ ऐसी हवा चल रही थी, मैं बड़ी टार्जन बन के लॉन का सूट पहन के गई। पता चला कि जी वहाँ पे तो इतनी हवा चल रही है कि मैंने फिर शॉल निकाली और या ने जैकेट। तो बहरहाल बहुत मज़ा आया, हम लोग के 8:30 बजे तक वहाँ बैठे, फिर घर आए तो बारिश, उफ। ईमान साइड मैं रेडी हूँ चलें, लेकिन पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आई। उधर भी मैंने फ़ोन किया जब रिशा की बहन को, तो उसने कहा कि हम लोग तो आउटडोर फंक्शन था, तो हम लोग तो खुद परेशान हो गए। तो बहरहाल एकदम से ही हुआ सब कुछ, तो फिर हमने पोस्टपोन किया क्योंकि सोचा कि डिफेंस में था तो डिफेंस में सड़कों का क्या हाल होगा, कितने लोग तो करंट लगने से मर जाते हैं बिकॉज पानी के नीचे तारें होती हैं। तो बस इरादा कैंसिल किया, फिर हमने घर पे ही सोचा कि चलें जी कुछ मूवी देखते हैं। मूवी लगाने लगे तो जनरेटर गया, जनरेटर में वो पानी चला गया, तो ऐसा स्मोक और एक पैनिक, और मैं राहे ग्लव लेके, मैं टॉर्च पक लेके, उसके बाद फिर वो उसको ऑफ़ किया तो बस कैंडल लाइट ही रही पूरी रात। फिर जाके कहीं बहुत देर में उसका जो सर्किट ब्रेकर जला था, उसको जब बारिश थोड़ी थमी तो उसको चेंज किया, और उसके कोई 10 मिनट के बाद फिर बारिश शुरू होगी बहुत तेज़। दोबारा लाइट तो आ गई, लेकिन लाइट फिर चलेगी 2 घंटे में, और फिर सुबह कोई 4-5 बजे आएगी। तो इट वॉज़ अ एडवेंचरस नाइट। तो अभी मैं अपनी बेला की बेली को लेके आई हूँ, बाहर बैठी हूँ, ताकि ये थोड़ी, इसको आवाज़ें आ रही हैं, ये बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही है जैसे पहले करती थी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तो आपको बड़ी खुशी सरप्राइज़ देना चाह रही थी कि जल्दी जाऊँ टर्मिनल बिल्डिंग में और आपको बताऊँ कि कहाँ की तैयारी है मेरी, लेकिन ये तो यहाँ पर ट्रैफिक इतनी हैपहैज़र्ड है, ये देखें। समझ ही नहीं आ रही कहाँ से गाड़ी जा रही है, किसकी वजह से ब्लॉक्ड है। मेरी बेटी नव्या गाड़ी चलाएगी। ओ, गाड़ी में बैठो। चलें जी, अब मैं आपको बताती हूँ, प्लान ये है कि अभी थोड़ी देर में मेकऑफ करूँगी और दोहा पहुँचूँगी। दोहा में एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, मेरे लिए तो नहीं। मैं आज का दिन बहुत स्ट्रेसफुल था, इतने सारे काम, सुबह जल्दी उठी, उठ के इमाम के साथ बैठी, नाश्ता किया, उसके बाद फिर बैंक गई, बैंक के काम किए। बैंक से मैं ढूंढ रही थी कतर एयरलाइंस का ऑफ़िस, पता चला कराची में उनका कोई ऑफिस ही नहीं है। तो खैर वो काम ऐसे ही चक्कर मेरा लगा पूरे शारे फैसल का, मेट्रोपोल से वापस मैं और ईमान आए, ढूंढते ढूंढाते ऑनलाइन कहीं लोकेशन मिल ही नहीं रही थी। फिर हया ने कुछ चीज़ें मंगाई थी, वो लीं,
फिर रहमत भाई ने कुछ गजक शजक मंगाई थी वो ली, और फिर मैंने और ईमान ने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे खाने के बाद फिर हम घर गए, घर जाके थोड़ा सा फैमिली टाइम गुजारा, फिर मैं सैलून चली गई लड़कियों से मिलने, तो बस फिर वहाँ से अपना पेडिक्योर वगैरह करा के तो फिर मैं वापस आई घर आके। हमने फैमिली टाइम गुजारा, फिर मैंने तैयारी व्यारी की। स्ट्रेस इतना होता है सफ़र का कि कुछ भूल ना जाए, कुछ रह ना जाए, तो बस अल्लाह का शुक्र सब ठीक हो गया एंड मेन डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मौजूद थे, तो मैं यहाँ पहुँच गई जहाज़ में। सो दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो चलें जी, दोहा में मुलाकात होती है आपसे। दोहा, दोहा पहुंच गए। अब आप सरप्राइज के लिए तैयार हो जाएं। हमारे तो उस पे लिखा रहा है गो टू गेट। रियली 7:50 है ना हमारी फ्लाइट, 6:30 गेट नीचे सामने है। हाँ, 5 मिनट की वॉक। क्या खिला रही हूँ? मैडम मेरे लिए ऑरेंज जूस ला रही है। मामा की जान। अभी हम लोगों ने नीचे जो है टेडी के साथ तस्वीर भी खिंचवानी है। सामने ही है टेडी। हाँ, हम दोनों के नहीं है ना उसके साथ। हाँ, यस, हम चार हैं। मेरी भी वॉलपेपर पे हम चार हैं। खबरदार जो तुमने कोई खर्चे की बात की। नहीं, मैं कोई खर्चे की बात नहीं। मैडम मुझे दे दें, छोड़ दें। ओह, थैंक यू। दैट्स व्हाट यू गेट व्हेन यू हैव अ गुड डॉटर, अ डॉटर बेसिकली। ऊपर जाना है नीचे? ऊपर। हमने जी अच्छी सी कॉफ़ी पी, कॉफ़ी पी के अब हम जा रहे हैं अपने गेट पे। बोर्डिंग शुरू हो चुकी है। And then we'll be traveling together. Oh my gosh, I didn't even tell my dreams for the team. Shiki Dairy Care, call item. Hello. Please switch on tracking devices and mobile phones to flight mode and remember. So your spicy lemon olive. Artisan bread. It's perfect. Dark green eggs. So this is spicy lemon. Yes, spicy lemon. And yeah, just to remind you, we also have tomato chili, balsamic. Yeah. Or... Thank you. And extraordinary Baltic salmon salad. Yeah. Nahi, abhi to starter aaya. Yeah. Kachi lag rahi hai. So I am back for you with a breast shake. I already feel so full. So this part is the soft part of the meat. This and this is when you do the polenta. Yeah. Okay. The semol much potato. नहीं होती? नहीं। चलो जल्दी पहुँच गए जी मैनचेस्टर। आया सिद्रा शहजाद बाहर और हम लोग जाने वाले हैं। बाहर 5 टेम्परेचर है जी, इन केस आपको नहीं पता।
सुगड़ बेटी, ये तो हटकर मेरी सुगड़ बेटी। अच्छा जी, ये अनिया की फरमाइश पे बनी है। मैंने कहा था मोर्क छोड़ राइस, तो भी राइस में देंगे चम्मच। मेरी मामा मेरे घर आई हैं और बना रही है पराठे गरम गरम अपने बेटे के लिए, जो बैठ के मजे से काम कर रहा हूं। काम, यस यस, काम बहुत इम्पोर्टेंट। यहाँ पराठे बन रहे हैं, मम्मा से बैठी हुई हूँ और वहाँ पे अनिया मजा आया था मूवी देखने में। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे पीछे आप लोग देख रहे हैं ये पूरी स्नो, और ये इतनी अनप्लान्ड और एकदम से हुई है कि मैं जब कल पहुंची हूं तो मैं सिदरा और शहजाद और बच्चों से कह रही थी, मैंने कहा कि भाई ये तो सर्दी नहीं है, तो सिदरा मुझे कह रही कल देखिएगा आप, और फिर कल हुई तो मैंने देख लिया, कानों का हाथ भी लगा लिया। मैंने कहा स्नो के बाद की जो हवा चलती है और वो जो ठंड होती है वो बहुत चुभने वाली होती है। तो बस अब हमारी रवानगी है ओल्डम से स्कनथॉप, और मज़ा आ रहा है रास्ते में बहुत। गाड़ी में हीटिंग ऑन है और बाहर बर्फ़ है, एंड गाने चल रहे हैं बड़े अच्छे, सिदरा की प्लेलिस्ट कमाल कमाल कमाल। चलें चलते हैं स्कनथॉप और देखते हैं घर की क्या हालत है। एंड अच्छा रिफ्रेशिंग सा चेंज लग रहा है इतने महीनों के बाद यूके आके। इट्स ऑलवेज गुड टू बी हेयर एंड विद गुड पीपल। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़े काम हैं वो ख़त्म कर लें, तो उसके बाद अपनी मुलाकातें शुरू करेंगे। अभी रास्ते में मैंने आपको इतने अच्छे अच्छे शॉट्स दिखाए हैं और अभी दिखाऊंगी भी। ये देखिए मेरे पीछे जो दरख्त है, कितना रोमांटिक और पिक्चरिस्टिक सा व्यू है। ये कैलेंडर्स में और डायरीज में और पोस्टर्स में देखते हैं हम, इतना प्यारा। अगर मैं आज से कोई 20 साल पहले वाली मैं होती तो मैं जगह जगह खड़ी होकर पिक्चर्स बना रही होती, तो उस वक्त मुझे बड़ा शौक था कि मोमेंट्स कैप्चर कर लो। अब ज़रा माइंड ये है कि माइंड में ही कैप्चर कर लें ताकि उसको ब्यूटी को आप इंजॉय करें फुली। ये देखें दिस इज बेसिकली स्नो शावर जो जमा हो के दरख्तों पे, ये देखें सो ब्यूटीफुल। हम ना रहे चलें जी, जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं बर्फ़ ख़त्म होती जा रही है और हल्की हल्की सी बारिश ही है बस। तो शुक्र है वो भी देख लिया नज़ारा हमने ये भी, एंड वी आर अबाउट 20 मिनट्स अवे। ये देखें जी ये घर का हाल है।
अभी मैंने मैगडलिना को बुलाया है, वो बस आने वाली है, तो फिर हम काम शुरू करते हैं, घर वर थोड़ा समेटते हैं, सफाई। एंड ये देखें गार्डन सोफे का क्या हाल है, अटा हुआ है बर्फ से। चलें, ये भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने कभी इस तरह स्नो, हाँ मे बी वंस यहीं पे देखी है, तो बहुत अरसे बाद देख रही हूँ मैं। जी पहचाने हैं इस जगह को, और हम लोग आए हैं स्कंथोप, मैं और सिद्रा। आज 5 बजे अनिया आ रही है, हमें ये घर का सामान वगैरह खाली करना है, तो 5-6 दिन तो बहुत काम होगा। कर्टन्स, फर्नीचर बेच रहे हैं, एक एक चीज़ निकाल रहे हैं, किचन खाली करना है, तो बस इसी चक्कर में हम लोग कल बिज़ी रहे। मैगडा को मैंने बुलाया था, मैगडा वॉज विद मी फॉर 4 आवर्स, आज फिर वो 5 बजे आएगी, 5 बजे अनिया भी आ रही है। तो कल तो हमने वही अपना जो चिकन रैप था फेवरेट वाला टीजेस से, वो मंगाया। आज अभी सुबह उठे हैं, तो नाश्ते के बाद देखते हैं क्या मूड है लंच का, तो वहाँ चले जाएंगे, वहाँ खा लेंगे मार्क्स एंड स्पेंसर्स का सैंडविच खा लेंगे, या फिर देखेंगे अनिया मैडम जब आएंगी, तो वो फिर एक्सपर्ट है इन चीज़ों में कि ये मंगा लूँ वो। सिद्रा भी है, एंड कल बर्फ़ थी, आज बिल्कुल बर्फ़ नहीं है। अंदर चूँकि हीटिंग ऑन है, इसलिए आइडिया नहीं है कि बाहर क्या टेम्परेचर, मगर चूँकि हल्का हल्का लग रहा है कि जैसे रेन शावर और ये रहा है रात में, तो इट्स काइंड ऑफ बेटर देन यस्टरडे। तो मैं अपने बर्डीज़ को खाना दूँ, खुद खाना खाऊँ, तो आपसे फिर वक्तन फवक्तन मुलाकात होती रहेगी। अच्छा बेबीज, अच्छा आराम से खा लो, मशीन से कपड़े भी निकाल लो। मेरा नाश्ता, चाय के लिए दूध को गर्म कर लूँगी इसमें। खाना खा रहे हैं और मैं भी खाना खा रही हूँ, तो चलें मैं अपनी चाय एंजॉय करूँ, नाश्ता करूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या काम करना है। जी जनाब, ये थी वीडियो मेरे फर्स्ट 3 डेज़ की, आई होप यू लाइक्ड इट। पहले दिन हम हया की तरफ रहे, उसके बाद हम यहाँ आ गए, और यहाँ आके बस काम 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 काम, और अगले दिन से अन्या ने भी ज्वाइन किया, सो वीडियोस चलती रहेंगी, आपको दिखाती रहूँगी यहाँ कैसा मेरा टाइम गुजर रहा है। तो दिस इज़ इट फ्रॉम दिस वीडियो, इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी। अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह ताला हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।